नमस्कार समाचारों साथे हूं छु विधि। राज्य में आगामी 5 दिवस भारी थी अति भारे वरसाद पड़शे। सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात में अति भारे वरसाद नी संभावना छे। बे वरसादी सिस्टम सक्रिय थता अति भारे वरसाद नी संभावना व्यक्त कराई छे। 7 अने 8 जुलाई भारे वरसाद नी आगाही हवामान विभागे करी छे अने राज्यना तमाम जिल्लाओ माटे वरसादी माहौल रहेशे तेवी आगाही छे। हाल राज्य में वरसाद ऑरेंज एलर्ट अपाउ छे। आगामी 5 दिवस मच्छीमारों ने दरियो न खेड़वानी सूचना छे। तो क्या आगाही वरसाद ने लेने करवामां आवी छे? आपणे कही दे आज जूनागढ़, सोमनाथ, सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड अने दमणमां वरसादनी संभावनाओ हवामान विभाग व्यक्त करी रह्युं छे। आज भारे वरसादनी आगाही आ विस्तारों माटे हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। आवतीकाले कया विस्तारोमां अति भारे वरसाद रही शके छे? सोमनाथ, अमरेली, वलसाडमां अति भारे वरसादनी संभावना छे। तो भारे वरसाद सुरेन्द्रनगर, बोटाद, भावनगर, सूरत अने नवसारीमां वरसी शके छे तेवुं हवामान विभाग कहेवुं छे। जर 8 जुलाई सोमनाथ, अमरेली, वलसाड, नवसारी अने जूनागढ़मां अति भारे वरसादनी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, बोटाद, भरूच, सूरत, नर्मदा, तापी अने डांगमां पण 8 जुलाई भारे वरसाद वरसी शके छे। और अगले 5 दिन के लिए भारी से अति भारी बारिश मिलने का संभावना है गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र, कच्छ में भी भारी से अति भारी बारिश मिलेगी, लेकिन कभी कभी आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेन ऑल्सो होने का संभावना है। कारण क्या होगा मैम? अभी फिलहाल पूरे गुजरात एक नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में एक सर्कुलेशन है, उसका एडजॉइनिंग साउथ गुजरात रीजन, नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी एडजॉइनिंग साउथ गुजरात रीजन में सर्कुलेशन है और ऑफशोर ट्रॉप भी एक्टिव है, उसके कारण से गुजरात को बारिश मिलने का भी संभावना है।